जयगो में ग्राम पंचायत के द्वारा दिए जाने वाले ट्रेड लाइसेंस में अचानक से मूल्य वृद्धि की खबर जयगो के बाजार में फैलने के बाद से ही लोगों में खासकर व्यापारियों में चर्चा का माहौल बनी हुई है। जयगो में व्यवसाय करने वाले लोगों को ग्राम पंचायत के माध्यम से ट्रेड लाइसेंस दिया जाता है, जिसके लिए व्यवसायियों से 300 नए लाइसेंस का चार्ज, साथ ही 200 इस ट्रेड लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए लिया जाता है। मगर हाल ही में जयगो 2 नंबर ग्राम पंचायत और जयगो मार्जिन एसोसिएशन के द्वारा इसके मूल्य वृद्धि किए जाने को लेकर बैठक की गई थी। सूत्रों की माने तो इस बैठक में नए ट्रेड लाइसेंस के लिए 2000 रुपये लिए जाने और रिन्यूअल के लिए 1000 रुपये लिए जाने की बात कही गई थी, जिसके बाद से ही व्यवसायियों में चिंता देखी जा रही है। इधर जयगांव 2 नंबर ग्राम पंचायत के प्रधान फुरवा लामा ने कहा कि वोट के कारण ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल बंद चल रहा था। इधर व्यापारियों की समस्या को देखते हुए आज रविवार से ट्रेड लाइसेंस जमा लेने आरंभ शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रेड लाइसेंस का मूल्य वृद्धि नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि पुराने मूल्य पर ही ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल किया जा रहा है। बजार में जुन तब को हल्ला फिंजी ये गलत हल्ला फिंजी तब आज हमी यहाँ अनअफिशियल डे में आज हमी हम ट्रेड लाइसेंस यहाँ रिन्यू को निम्ति हमें डिपोजिट लिंदौ आज हमी अनअफिशियल डे में डिपोजिट कारण ताकि हमें सोमवार दिन को मेरे जयगाव को मर्चेंट जयगाव को ट्रेडर्स जयगाव बिजनेस कम्युनिटी मैं लाइसेंस सोमवार दिन को इश्यू कर सकूस मैं अनअफिशियल डे में मेरे मैं जयगाव को जनता को हित में आज आईतवार को दिन मैं अफिश खोले लाइसेंस जमा लिंदु रुन चाहे हल्ला फिंजी आज मत लिंक तैदिन को लिद्दन एकदम कम्प्लिटली गलत खबर हो। मेरे जयगाव को जनता अनुरोध साथ ही एनाउंस भी करना चाहूँ कि आजदि मेरे ट्रेड लाइसेंस जमा लिने इश्यू करने डेट सुरू भयो यो तब को कंटिन्ू रह तब को कुछ डेट छैन कुछ बार छैन तब को यो खाले तबले सैटरडे र संडे छोड़कर कुछ भी दिन में आएगा तब लाइसेंस दिन सकता अथवा लिख भी सकता। दाम बढ़ाने कुरा रेट्स हाई करने कुरा थे हम है तब को विगत को 15 वर्षदि को हम जयगाव जीपी टू में कुछ भी प्रकार को वृद्धि भर गए जबकि आज जयगाव एउटा सीटी को नजर में हेर्छ चाहे प्रशासन ले चाहे जनता ले चाहे कसैले पनि होस् भनेदेखि आज जो ग्राम पंचायत एकदम रिमोट एरिया में ग्राम पंचायत तो क्षेत्र को ट्रेड लाइसेंस को दाम भी 500 र 700 भइसक आज हमी क्षेत्र में जयगाव को तब को बजार हेरा जयगाव को ट्रेड हेरा जयगाव को बिजनेस हेरा वहाँ को बिजनेस असर नपर्ने हिसाब से हमी रेट्स बढ़ाए ताकि जो जयगाव को जनता को अन फंड जयगाव को जनता को पैसा जो जीपी अफिश मार्फत जमा हो पैसा लिया हमें जयगाव को विस में लगन पर्च भाव कोशिश चलिखे थे तर यो कतिवटा अब कारण हामीले यसपालि यो लाइसेन्सहरु लन्च गर्न सकेको छैन। निश्चय पनि तपाईहरु निर्धक्क हुनुस् निश्चय पनि हामी आउँदो दिनमा आउँदो फाइनान्शियल इयर देखि हामी हाम्रो उच्च अधिकारीसँग बात गरेर मेरो यहाँ पंचायत हाउसमा मेरो जति पनि पंचायतको साथीभाइहरु छ मेरो यहाँ अफिसरहरु राखेर 21 जना पंचायत मेम्बर राखेर चर्चा परिचर्चा गरेर मेरो जयगाउँको बजारको समुदायहरुलाई पनि राखेर चर्चा परिचर्चा गरेर मिडिया मार्फतबाट यसलाई सबैलाई सन्देश दिएर उहाँहरुको पनि मेसेजलाई लिएर हामी आउँदो दिनको फाइनान्शियल इयरमा हामी अवश्य पनि वृद्धि गर्नेछौँ यसमा।